आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ, सावित्री चौधरी जयपुर से। कहानी का शीर्षक है आकाश की ज्योति। उस दिन मीरपुर गांव में तहलका ही मच गया जब चौधरी हेतराम जी शहर से जीप खरीद कर ले आए। फौजी रंग की नई चमचमाती जीप हवेली के आगे खड़ी देखी तो हर्ष और आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आसपास के बच्चे और बूढ़े गांव वाले जीप के चारों ओर परिक्रमा सी देने लगे। शहर से काफी दूर छोटा सा गांव मीरपुर बसा हुआ है। शहर में आने जाने के लिए रोडवेज की एक बस एक ही बार आती है, कभी बहुत देर से कभी बड़ी जल्दी। दूर पास की ढाणियों में बसे लोगों को बस के लिए मीरपुर ही आना पड़ता है। रोजाना ही टाइम बेटाइम आने वाली बस की पैरों तक प्रतीक्षा करते करते तंग आकर बेचारी सवारियां वापस चली जाती हैं। मीरपुर में बसे लोगों में से दो हवेलियों के अलावा मजदूरों के कच्चे घर और झोपड़ियां हैं। दोनों हवेली दो भाई चौधरी केसाराम जी और चौधरी हेतराम जी जमींदारों की है। बस की दुखदाई प्रतीक्षा से दुखी होकर एक दिन सवारियां चौधरी केसाराम जी के पास जाकर ठिणकने लगी। चौधरी साहब, थे तो एक जीप खरीद लियाओ, थारे तो कमाई को साधन हो जैसी, और सवारियां भी घर गृहस्थी को अर्जुन्त को सामान लेवन वास्ते हरी बीमारी में दवाई लेवन खातर भी आराम से आ जा सकेगी शहर में। पर उन्होंने तो साफ मना कर दिया। खाने उड़ाने और दारू के रसिया चौधरी केसाराम जी को झूठी शान दिखावे का बहुत शौक था। गांव की बदहाली और मजदूरों के दुख तकलीफ परेशानियों की उन्होंने कभी भी चिंता परवाह नहीं की। उनका टका सा जवाब सुनकर दुखी और निराश होती हुई सवारियों ने केसाराम जी के छोटे भाई चौधरी हेतराम जी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया, हाथ जोड़कर विनती की, विनीत भाव से बार बार अनुरोध किया था एक जीप खरीद कर लाने के लिए। चौधरी हेतराम जी पढ़े तो कम थे पर गुणे ज्यादा थे। वे नए विचारों के हिमायती और फालतू खर्चे के घोर विरोधी थे। शराब और लोक दिखावे से बहुत घृणा थी। बीड़ी सिगरेट चिलम और हुक्का पीने के सख्त खिलाफ थे। वे तो मजदूरों को भी समझाते हुए कहते थे, अब यदि अपने देश समाज और गांव को विनाश से बचाना है, विकास की ओर ले जाना है, तो सादा जीवन, ऊंचे विचार, ये जीवन के आधार की शैली पर जीवन बिताने से ही अपने समाज का भला, गांव का विकास हो सकता है, उन्नति हो सकती है। यह जमाना है जागृति का, और समाज में जागृति चेतना कौन लाता है, गांव का विकास कौन करता है? खुशहाल समाज किससे बनता है? इंसानों से ही ना। तनिक देर चुप रहकर वे फिर बोले, तो फिर जमाने का बदलाव देखकर हमें भी खर्चीली रस्में रिवाजों को निभाने का तरीका भी बदल देना चाहिए। और रीत रिवाज बदलने के लिए कोई तो पहल करेगा ही, कोई तो गांव में पहली बार विकास की ज्योत जलाएगा ही। ये बातें नसीहतें मजदूरों को जहर सी लगती। घर आकर चौधरी हेतराम जी की खूब हंसी उड़ाते और उन्हें महाकंजूस मक्खी चूस बताते थे, लेकिन वे तो सवारियों की परेशानी दुख से व्यथित होकर एक दिन जीप खरीद लाए, जिसे देखकर गांव वासी तो जैसे निहाल हो गए थे। चौधरी हेतराम जी जीप की गर्द साफ कर रहे थे, तभी खेत से चौधरी केसाराम जी वहां आ पहुंचे। कहो भाई जी, जीप पसंद आई क्या? चौधरी हेतराम जी ने पूछा। भाईड़ा वाह, आज तो कमाल कर दिखाया, कितने में खरीद कर लाए हो? 15 लाख में। यार, कहाँ से कबाड़ लिए इतने नोट? भाई जी, 5 लाख तो अपनी बचत के जमा करा दिए और 10 लाख का बैंक से कर्ज लिया है, किस्तों में चुकाता रहूंगा। चौधरी केसाराम जी फिर भी आश्चर्य में डूब रहे थे। मेरी जितनी जमीन के मालिक, मेरी जैसी ही औकात वाले, इस छोटे भाई के पास 5 लाख कहाँ से आ गए? मेरी तिजोरी तो सफा रीति पड़ी है। सोचकर धीरे से कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो एतराम? 5 लाख रुपए भी सेठ जी से उधार लिए होंगे,
ना भाई जी, मैंने तो 5 लाख अपनी बचत से जमा कराए हैं, पर उन्हें तो छोटे भाई की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए फिर कभी सच उगलवाने की सोचकर चौधरी केसाराम जी तो हारे हुए पहलवान की तरह सिर झुकाए अपनी हवेली की ओर चल पड़े। उनके हृदय में बहुत खलबली मच रही थी। रात को खाना भी नहीं खा सके, न ही शराब अच्छी लगी, न ही सो सके। सारी रात उनकी आंखों में तो छोटे भाई की नई नकोर जीप तिनके की तरह रड़कती रही, चुभती रही। कहीं दूर बादल गरज रहे थे, बिजली की चमक जब बादलों की काली घटा को चीरती तो उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उनके कलेजे को चीर रही है। उधर चौधरी हेतराम जी की हवेली पर गांव वाले खुशी के मारे आधी रात तक जीप के इर्द गिर्द मंडराते रहे, स्नेह भाव से छूते रहे बार बार। सुबह केसाराम जी उठे तो दिमाग चकरा रहा था, 5 लाख रुपए हेतराम ने कैसे जोड़ लिए। इसी सोच में बेचैन होते हुए जंगल की ओर चल दिए। तभी छोटे भाई हेतराम ने जीप में सवारियां लेकर जाते हुए बड़े भाई केसाराम के पास जीप रोकते हुए कहा, भाई जी आओ शहर चलना है। तो वे भाई की पास वाली सीट पर बैठ गए। जीप घर घर आती रवाना हो गई। कल के प्रश्नों ने केसाराम जी की सुख शांति भंग कर रखी थी, इसलिए उन्हें पूछना ही पड़ा, हेतराम अपनी फसल की आमदनी एक जैसी है, फिर भी 5 लाख रुपए तुमने कैसे जोड़ लिए। हमारा खर्चा भी बराबर सा है। कण कण जोड़े मन जुड़े टपकत रीतो होए, हेतराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस कहावत से आप भी समझ जाएं, मैं तो नहीं समझा, ढंग से समझाकर बताना, केसाराम जी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। भाई जी अपने रीत रिवाज और परंपराएं न तो अपनी उन्नति होने देती है और नए गांव का विकास होने देती है, हेतराम जी जीप चलाते हुए बताने लगे। मैंने धूमधाम से रीत रिवाज और परंपराएं निभानी छोड़ दी, पर आप तो सभी कुरीतियों को, रस्म रिवाज को ठाट बाट से मना रहे हो, निभा रहे हो। मैंने तो माँ बाप के मरने पर मृत्यु भोज नहीं किया था, तो जात बिरादरी का खूब पारा चढ़ा था, मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाई थी, फिर भी मैं डरा नहीं, झुका नहीं। बेटे बेटियों का विवाह भी बड़ी सादगी से संपन्न किया था आपके सामने, न दहेज लिया न दिया। काम चलाऊ हल्के से जेवर बनवाए थे और बैंड बाजे सजावट आदि पर तो एक पैसा भी नहीं खर्चा। इन्हें गिने ही मेहमान बुलाए थे और मिठाई भी एक ही तैयार करवाई थी। एक ओर तो दिखावे पर खर्चा नहीं किया, दूसरी तरफ हर खर्चे में से बचाए रुपए मैं बैंक में समय समय पर जमा कराता रहा। रास्ते में जगह जगह खड़ी सवारियों को कभी चढ़ाया और कभी उतारते समय किराया लेने के बाद जीप रवाना करते ही हेतराम जी फिर बताने लगते। बैंक में जमा रुपयों के ब्याज से ही मैं खाद और बीज खरीदता रहा। बैंक में लेन देन करते रहने के कारण खूब दाग है मेरी। जीप के लिए कर्ज लिया, उतारने के बाद भी और रुपए जमा है बैंक में। वे रुपए मैंने गांव के विकास में लगाने के लिए ही जोड़े हैं। भाई जी आपके भी फसल की आमदनी मेरे जितनी है, फिर भी जमा पूंजी आपके पास नहीं है, क्योंकि माँ बाप के मृत्यु भोज और बेटे बेटियों के विवाह में पानी की तरह रुपया बहाया था हाथ का मैल समझकर। सोने चांदी के कई गहने बनवाए थे आपने और अनगिनत बुलाए थे मेहमान, तरह तरह की मिठाइयां नमकीन बनवाई थी आपने, डटकर शराब पी और लोगों को भी पानी की तरह पिलाई थी। मेहमानों की पसंद का मीट बनवाया था, बीड़ी सिगरेट हुक्का चिलम पिलाने के लिए कई नौकर चाकरों की ड्यूटी लगा रखी थी। जीप में बैठी सवारियां चुप्पी साधे चौधरी हेतराम जी की बातें सुन रही थी। फिर बाजार, भाई जी बाजार का उधार चुकाने के लिए आप सेठ जी से कर्जा लेते रहे थे, तभी तो फसल का अनाज सेठ जी सस्ती दर से खरीद कर आपको ठग रहे हैं, ब्याज के बहाने लूट रहे हैं सालों से, पर आप कभी चूं भी नहीं कर सके, कर्जे से दबे हुए हो इसीलिए ना, जबकि मैं तो महंगे भाव अनाज बेचता हूं मंडी में, हमेशा मुनाफा उठाता रहा।
भाई जी, आप तो खुशी के हर एक मौके पर अनाप शनाप रुपए फूंकते रहे। कभी भी यह नहीं सोचा कि रुपयों से भी रुपए कमाए जा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। गांव का विकास, उन्नति नहीं होने का मूल कारण है कि गांववासी खून पसीना बहाकर कमाए रुपए तो कुरीतियां निभाने और झूठी शान दिखाने में उड़ा देते हैं। फिर गुजर बसर के लिए सेठ जी से कर्जा लेते रहते हैं और सेठ जी ब्याज के बहाने ठगते रहते हैं, कर्जे से कभी उबरने ही नहीं देते। अमीरों की देखा देखी, गरीब भी खुशी के मौके पर और मृत्यु भोज पर खूब खर्चा करते हैं, साहूकार से उधार रुपए लेकर भी। तभी तो दुखदाई रीत रिवाज परंपराएं गांव से गरीबी नहीं मिटने देती, न ही गांव वाले सुख शांति से रह सकते। वाह भाई इतराम, आज तो तुम्हारी समझदार बातों ने, नसीहतों ने मुझे भी अपने पुराने विचार बदलने के लिए मजबूर कर दिया, मेरी आंखें खोल दी, मन में उजाला हो गया, कहकर केसाराम जी ने भाई की पीठ थपथपाई, क्योंकि अब उनकी सोच बदल गई थी। पर झूठी शान दिखाने के लिए कंगाल होने के बाद ही विचार बदले हैं उनके? जीप में बैठी सवारियों के मन पर भी चौधरी हेतराम जी के सुधारवादी नए विचारों ने उनके हृदय पर भी जादू सा कर दिया था जैसे। तभी तो उसी समय कुरीतियां त्यागने की सौगंध खा ली, उनके कहे अनुसार चलने का सभी ने प्रण कर लिया। हालांकि चौधरी केसाराम जी के फसल की आमदनी छोटे भाई हेतराम जी से कम नहीं है, पर अब जरूर कम हो जाएगी। कारण, वे तो अपनी बचत और बैंक से कर्ज लेकर जीप ले आए, कमाई का एक और साधन कर लिया। जब तक गांव वाले शिक्षित नहीं होंगे, बाल विवाह, छूछक भात और मृत्यु भोज जैसी खर्चीली कुरीतियां नहीं छोड़ेंगे, जानलेवा शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि से तौबा नहीं करेंगे, तब तक न तो गांव में खुशहाली आएगी, न ही गांव वासी खुशहाल हो सकते हैं। अतः गांव में शिक्षा का प्रकाश करने के लिए हेतराम जी ने बताया कि अपनी हवेली के आधे भाग में वे स्कूल चलाएंगे, बच्चों और बड़ों की पढ़ाई का सारा खर्चा भी वे खुद करेंगे। उन्होंने गांव के विकास की, उन्नति की योजना भी बताई। गांव वालों को स्वच्छ पीने का पानी मिल सके, इसके लिए भी वे पानी की एक बड़ी टंकी का निर्माण भी करवा देंगे। खेतों में भरपूर सिंचाई हो सके, इसके लिए बिजली की लाइन गांव तक लाने के लिए भी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं। गांव में बीमारी से बचाव, गंदगी से हानि, खान पान में सफाई रखना क्यों जरूरी है, छोटे परिवार के फायदे आदि बातों की जानकारी देने के लिए एक ग्राम सेविका भी उनके प्रयास से रोजाना गांव में आ रही है। आज वे ग्राम विकास के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और जिला प्रमुख से मिलकर अनुरोध करेंगे कि शहर से गांव तक सड़क जल्दी ही बननी चाहिए। छोटे भाई के गांव की विकास की, जीवन सुधारने की बड़ी बड़ी बातें सुनकर केसाराम जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी डिस्पेंसरी बनवाने के लिए अपने बाड़े की जमीन सरकार को दान में देने की बात कह दी। बड़े भाई की बात सुनकर हेतराम जी तो मन में फूले नहीं समा रहे थे और सवारियों ने भी दिन रात श्रम दान करने की बात कही तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। शहर में जीप से उतरते हुए एक सवारी ने हंसते हुए कहा, अब तो मैं एक नई जिंदगानी शुरू करांगा, शिक्षा और विकास की ज्योत के उजाले में। सवारियों को उनके बताए ठिकाने पर उतार कर चौधरी हेतराम जी ने बड़े भाई और सवारियों की बातों से मन में खुश होते हुए जीप को जिला प्रमुख के कार्यालय की ओर मोड़ दिया।